हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जैकबोर्ड क्लास 9th का 1 और 2 मार्च को एग्जाम है। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को 1 मार्च हिंदी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 1 तारीख को हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस का एग्जाम होगा। एक दिन में 4 सब्जेक्ट है। अभी से ही आप लोग तैयारी में लग जाइए, नहीं तो फिर समय बहुत ही कम बचेगा आप लोगों के पास। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन अभी बताने वाला हूँ सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा और इसमें से भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आप लोग याद कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। भारतवर्ष बहुत पुराना देश है, उसकी सभ्यता और संस्कृति भी बहुत पुरानी है। भारतवासियों को अपनी सभ्यता और संस्कृति पर बड़ा गर्व है। वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा प्राप्त नए साधनों को अपनाते हुए भी जब अनेक अन्य देशवासी अपने पुराने रहन सहन और रीति रिवाज को बदलकर नए तरीके से जीवन बिताने लगे, तब भी भारतवासी अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर डटे रहे और बहुत काल तक यह देश ऋषि मुनियों का देश ही कहलाता रहा। विश्व के मानव जीवन के उस नए दौर का असर पूर्ण रूप से भारतवासियों पर पड़ा नहीं। हवाई जहाज की सैर की सुविधा के मिलने के बाद भी पैदल की जाने वाली तीर्थ यात्रा होती रही। 5 नक्षत्र वाले होटलों में, यानी कि 5-स्टार होटलों में शावर बाथ की सुविधाओं के होते हुए भी गंगा स्नान और संध्या वंदन का दौर चलता ही रहा। कारण यह है कि जब जीवन में उन्नति के लिए अनेक देशवासी नए आविष्कारों और उनके द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के पीछे भाग रहे थे, तब भी भारतवासियों को अपने रीति रिवाज और रहन सहन पर पूरा विश्वास था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष कैसा देश है? पहला ऑप्शन है पुराना, दूसरा नया, तीसरा बहुत पुराना और चौथा ऑप्शन है बहुत नया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बहुत पुराना देश है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला सेकेंड नंबर, कौन देश ऋषि मुनियों का देश कहलाता रहा है? पहला ऑप्शन है लंका, दूसरा भारत, तीसरा चीन और चौथा ऑप्शन है, बट यहीं पर आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भारत। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरे बताने से पहले आप लोगों को कितना क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पहले से पता था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, तीसरा नंबर, शावर बाथ का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है खुला स्नान, दूसरा नदी स्नान, तीसरा समुद्र स्नान, चौथा झरना स्नान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, झरना स्नान, शावर बाथ। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 4 नंबर, भारतवासी किस पर डटे रहे? भारतवासी किस पर डटे रहे? पहला ऑप्शन है पुरानी सभ्यता संस्कृति पर, दूसरा ऑप्शन है नई सभ्यता संस्कृति पर, तीसरा ऑप्शन है आधुनिक सभ्यता संस्कृति पर, चौथा ऑप्शन है तकनीकी सभ्यता संस्कृति पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पुरानी सभ्यता संस्कृति पर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 5 नंबर, हवाई जहाज की सैर की सुविधा मिलने के बाद भी तीर्थ यात्राएँ किस प्रकार होती रही है? पहला ऑप्शन है पैदल चलकर, दूसरा ऑप्शन है घोड़े पर सवार होकर, तीसरा ऑप्शन है पालकी पर चढ़कर, चौथा ऑप्शन है कार द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पैदल चलकर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला सेकेंड नंबर, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। यहाँ पर पढ़ना है, चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। हम जिस तरह भोजन करते हैं, गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ बिरछ के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल, यहाँ पर तरल होना चाहिए, केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ बिरछ जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। गाछ वृक्ष वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाते हैं।
खुर्दबीन से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टता देखे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए खुर्दबीन यानी कि सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टता से देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का यह यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 6 नंबर, गाछ बिरज का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है घास पात, दूसरा फल फूल, तीसरा पेड़ पौधे, चौथा मिट्टी पानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पेड़ पौधे। गाछ बिरज का अर्थ होता है पेड़ पौधे। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, गाछ बिरज के क्या नहीं होते हैं? गाछ बिरज के क्या नहीं होते? पहला ऑप्शन है पत्ते, दूसरा ऑप्शन है दांत, तीसरा फूल, चौथा फल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दांत नहीं होते। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, गाछ बिरज किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं? गाछ बिरज किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं? पहला ऑप्शन है जड़ के द्वारा, दूसरा तना के द्वारा, तीसरा टहनी के द्वारा, चौथा पत्तों के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जड़ के द्वारा। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, वैसे पैसेज में सब लिखा हुआ ही है। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, पेड़ कब मर जाता है? पहला ऑप्शन है खाद न मिलने पर, दूसरा पानी न मिलने पर, तीसरा मिट्टी न मिलने पर, चौथा दवा न मिलने पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पानी न मिलने पर पेड़ मर जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर की ओर, पेड़ के शरीर में रस का संचार किस से होता है? पहला ऑप्शन है तना से, दूसरा पत्तों से, तीसरा माटी से, चौथा फूल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, माटी से। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए 11 नंबर की ओर, यहाँ पर एक पत्र लेखन है, तो चलिए हम लोग पत्र लेखन को पढ़ते हैं। देखिए, मेरे प्रिय मित्र नमस्कार, तुम्हारा खालिस्तान मिला, खुशी हुई, तुम वाद विवाद खालिस्तान में प्रथम आए हो। मैं खालिस्तान नहीं सकता कि कितना खुश हूँ। तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय के अन्य खालिस्तान में भाग लेते रहो, इससे तुम्हें खालिस्तान फायदा होगा। अब पत्रांत करता हूँ, तुम्हारा अभिन्न मित्र अनुराग। देखिए 11 नंबर में तुम्हारा खालिस्तान मिला, देखिए तुम्हारा क्या मिला, तुम्हारा दोस्त मिला या तुम्हारा भाई मिला या तुम्हारा पत्र मिला या तुम्हारा सामान मिला। तो यहाँ पर पत्र का बात हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, तुम्हारा पत्र मिला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 12 नंबर की ओर, 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखते हैं, पहले कार्यकलाप, दूसरा प्रतियोगिता, तीसरा हंसी खुशी और चौथा संदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 13 नंबर, बोल कह पता बात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मैं कह नहीं सकता। इसी तरीके से कुछ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं कह नहीं सकता कि कितना खुश हूँ। देखिए नेक्स्ट अगला 14 नंबर, पहला ऑप्शन है क्रियाकलाप, दूसरा कामकाज, तीसरा काम, चौथा नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्रियाकलाप। फिर देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, कम, थोड़ा, बहुत या नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बहुत। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 16 नंबर की ओर, 16 से 25 तक देखिए व्याकरण का है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, विद्वान का स्त्रीलिंग रूप होगा। पहला ऑप्शन है विद्वानी, दूसरा विद्वानी, स्पेलिंग अलग है, तीसरा है विदुषी, चौथा है विदुषी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विदुषी, ये वाला स्पेलिंग बिल्कुल सही है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 17 नंबर, एक का बहुवचन क्या होगा। पहला ऑप्शन है अनेक, दूसरा अनेकों, तीसरा अनेका, चौथा एको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनेक, एक का बहुवचन अनेक। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 18 नंबर, इसमें से संख्यावाचक विशेषण कौन है बताना है। पहला ऑप्शन है सफ़ेद घोड़ा, दूसरा लाल फूल, तीसरा 4 आदमी, चौथा अच्छी चाय। तो संख्या यहाँ पर कहाँ है, 4, तो 4 आदमी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 19 नंबर की ओर, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3 और तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। चलिए मैं बता दे रहा हूँ,
तीन भेद होते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए कौन कौन सा तीन भेद है, तीनों का नाम नीचे कमेंट लिखिएगा, कमेंट में लिखिएगा रचना की दृष्टि से बाकी के तीन भेद हैं कौन कौन, तीनों का नाम आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो नीचे कमेंट चेक कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, और अगर किसी ने कमेंट किया है तो लाइक कर दीजिएगा कमेंट को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 20 नंबर की ओर। इसमें से आंख का पर्यायवाची कौन नहीं है, आंख का पर्यायवाची कौन नहीं है, पहला ऑप्शन है नयन, ये तो है, दूसरा लोचन, ये भी है, तीसरा नासिका, ये नहीं है, चौथा चक्षु, ये भी है, तो यहाँ पर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 21 नंबर की ओर। 21 नंबर का क्वेश्चन है ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है, पहला ऑप्शन है कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्ता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 22 नंबर। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, पहला ऑप्शन है कमर को कस देना, दूसरा कमर को ढीला करना, तीसरा तैयार होना, चौथा कमर सीधा करना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, तैयार होना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 23 नंबर की ओर। 23 नंबर का क्वेश्चन है गालियां तो खालिस्तान बच्चे देते हैं, गालियां तो अच्छे बच्चे देते हैं, सच्चे बच्चे देते हैं, या तीसरा गंदे बच्चे देते हैं, या चौथा सभ्य बच्चे देते हैं, तो बेशक ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, गालियां तो गंदे बच्चे देते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर की ओर। वह घर गया और काम में लग गया, यह किस प्रकार का वाक्य है, वह घर गया और काम में लग गया, पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य, चौथा उपवाक्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा संयुक्त वाक्य, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 25 नंबर की ओर। आदर का सही विलोम क्या होगा, आदर का सही विलोम क्या होगा, पहला ऑप्शन है सादर, दूसरा निरादर, तीसरा समादर, चौथा कादर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए आदर का विलोम शब्द हो जाएगा निरादर, निरादर ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट है यहाँ पर चौथा पाठ्य पुस्तक से नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प को चुने, 26 से 40 तक। देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन, दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम है, दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का क्या नाम है, पहला ऑप्शन है सोना चांदी, दूसरा हीरामोती, तीसरा जय विजय, चौथा नीलम पुखराज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हीरा मोती, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, 27 नंबर। 27 नंबर का क्वेश्चन है लहासा की ओर पाठ के लेखक का नाम, लहासा की ओर पाठ के लेखक का नाम, पहला ऑप्शन है श्यामा चरण दुबे, दूसरा जाकिर हुसैन, तीसरा राहुल सांकृत्यानंद, और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, राहुल सांकृत्यानंद, राहुल सांकृत्यानंद, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखक का नाम आएगा ही। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 28 नंबर, मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है, मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है, कहानी, निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, संस्मरण है, संस्मरण है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 29 नंबर की ओर। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, यह पंक्ति किस पाठ की है, पहला ऑप्शन है लहासा की ओर, दूसरा सांवले सपनों की याद, तीसरा प्रेमचंद के फटे जूते, और चौथा उपभोक्तावाद की संस्कृति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उपभोक्तावाद की संस्कृति। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ की पंक्ति है। फिर देखिए नेक्स्ट 30 नंबर, इसमें से हास्य व्यंग के रचनाकार कौन है, हास्य व्यंग के रचनाकार प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, चपला देवी, या महादेवी वर्मा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हरिशंकर परसाई हास्य व्यंग के रचनाकार हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 31 नंबर की ओर। किसको सब सांसों की सांस में कहा गया है, पहला ऑप्शन है मनुष्य को, दूसरा असुर को, तीसरा ईश्वर को, चौथा पशु को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा ईश्वर को सब सांसों की सांस में कहा गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 32 नंबर की ओर। 32 नंबर का क्वेश्चन है कवि रसखान किसकी पंक्ति में लीन थे, पहला ऑप्शन है राम, दूसरा कृष्ण, तीसरा शिव, चौथा ब्रह्म, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कृष्ण की भक्ति में लीन थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 33 नंबर की ओर। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में कैसे हैं, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में कैसे हैं, पहला ऑप्शन है प्रसन्न, दूसरा खुश, तीसरा उदास, चौथा हताश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, उदास हैं, उदास हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 34 नंबर की ओर। ग्रामश्री कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है, ग्रामश्री कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है, पहला ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु, तीसरा शरद ऋतु, चौथा शिशिर ऋतु, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, शिशिर
ऋतु, शिशिर ऋतु। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर की ओर। 35 नंबर का क्वेश्चन है, हरा ठिगना चना का वर्णन किस कविता में हुआ है? हरा ठिगना चना का वर्णन किस कविता में हुआ है? पहला ऑप्शन है ग्रामश्री, दूसरा चंद्रगहना से लौटती बेर, तीसरा मेघ है, चौथा बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चंद्रगहना से लौटती बेर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 36 नंबर की ओर। रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक का नाम, रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, दूसरा जगदीश चंद्र माथुर, तीसरा विद्यासागर नौटियाल और चौथा शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा जगदीश चंद्र माथुर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 37 नंबर, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा जाता है? मृत्यु का तरल दूत किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पानी को, दूसरा नदी को, तीसरा तालाब को, चौथा बाढ़ को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, बाढ़ को। बाढ़ को मृत्यु का तरल दूत कहा जाता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 38 नंबर की ओर। माटी वाली कहानी में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है? माटी वाली कहानी में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है? पहला ऑप्शन है बेरोजगारी, दूसरा भ्रष्टाचार, तीसरा विस्थापन, चौथा आवासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन समस्या पर प्रकाश डाला गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी पाठ के विवाह योग्य कन्या का नाम क्या है? बताना है, रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह योग्य कन्या का नाम है उमा, रमा, कोमा, क्षमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उमा, उमा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला लास्ट नंबर 40 नंबर, इस जल प्रलय में पाठ में किस शहर में आई बाढ़ का वर्णन किया गया है? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा छपरा, तीसरा हाजीपुर, चौथा दरभंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पटना, पटना। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, इसमें से आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा। और मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मॉडल क्वेश्चन का भी लिंक मिल जाएगा, साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा। सभी वीडियो को आप देख लीजिएगा, टोटल 4 सेट हो जाएगा, चारों सेट को देख लीजिएगा तो आराम से आपका 35 से लेकर 40 नंबर तक आ जाएगा, 35 से लेकर 40 नंबर तक आराम से आ जाएगा। अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।